आज हम विशेष खास बातचीत कर रहे हैं दो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, वो भी एंकरिंग के क्षेत्र में, अपने इंडिया के जाने माने, हम कह सकते हैं इंडिया के लिए, भारत देश के लिए नंबर वन एंकर मिस्टर अंकित खंडेलवाल। आप अपने बारे में बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहे, मैं कुछ सवाल करूँ उससे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, और मेरे बारे में पूछने के लिए और एक ख़ास इंटरव्यू प्लान करने के लिए। देखिए, मेरे बारे में कुछ खास ऐसा है नहीं। मेरा नाम अंकित खंडेलवाल है और पलाबड़ा जयपुर में हूँ, और एंकरिंग मेरा पैशन है, उसी को मैंने प्रोफेशन बनाया। मैंने बी फार्मेसी किया, उसके बाद MBA किया, एंड फिर उसके बाद 15 ईयर्स तक मेरे को कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने का मौका मिला। और मेरे लाइफ का जो एम है और उद्देश्य है वो है खुश रहना और खुशियाँ बांटना। आपके जीवन में ये कैसे आपको अनुभूत हुआ कि मेरे को एंकरिंग में जाना है और कोई क्षेत्र या स्कोप में नहीं आया, वो प्रेरणा कैसे हुई? देखिए, बचपन में जब मैं स्कूल में स्टडी किया करता था तो हमारे स्कूल में बाल भास्कर हुआ करती थी। उस टाइम पर जब मैं बाल भास्कर के द्वारा जो कार्यक्रम होते थे उसमें मुझे एक बार एंकरिंग करने का मौका मिला। बाल भास्कर के द्वारा बाल सभाएं हुआ करती थी। जब मैंने बाल सभा में एंकरिंग करी तो सब लोगों ने क्लैपिंग करी, तालियां बजाई, मुझे एनकरेज किया, बोले आप बहुत अच्छा बोलते हो। और धीरे 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 जब वो एनकरेजमेंट मुझे और मिलता गया, मैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ता गया, और अनवरत अभी तक लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है। और इस लोगों के प्यार से ही मुझे पता लगा कि मैं बना ही एंकरिंग के लिए हूँ। और जब लोगों से मिलता तो वो कहते हैं कि हमें अंकित खंडेलवाल नहीं, हमें एंकर अंकित खंडेलवाल ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसी के साथ मेरी एंकरिंग की जर्नी शुरू हुई। पहला जो आपने एंकरिंग के लिए स्टेज के लिए अपने कदम रखे, वो दिन या वो समय बता सकते हैं? 1 दिसंबर 2002, होटल महारानी पैलेस, वो दिन था। एक्चुअली मेरे दोस्त को एक एंकर की ज़रूरत थी और उसने कहा कि एक इवेंट है और मुझे एंकर चाहिए। तो मैंने कहा मैं करना चाहूँगा, तो मेरे दोस्त ने कहा तू कर लेगा, तू कर लेगा। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तू झेल लेगा। तो इस तरीके से हमारा नोकझोंक हुई और बातचीत हुई। उसके बाद मैंने वहाँ पर एंकरिंग करी, और उस एंकरिंग के बाद सभी लोगों ने मेरी तारीफ़ करी, मुझे एनकरेज किया, और वहाँ से एक तरीके से मेरी प्रोफेशनल एंकरिंग लाइफ की शुरुआत हुई। और मुझे पहली बार जो फर्स्ट इवेंट किया था उसमें 800 रुपीज़ मिले थे, 800 रुपये मिले थे। और जब मैंने फैमिली को, फादर को बताया कि मैंने एंकरिंग करने गया था और मुझे 800 रुपये मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई पहली बार गया और आखिरी बार मान ले, अब एंकरिंग का भूत जो तेरे पे सवार है उसको छोड़ दे और मुझे तुझे एंकर नहीं बनाना। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए या फिर बिजनेसमैन बनिए, बट एंकर मत बनिए। तो मुझे लगा कि शायद मुझे एंकरिंग नहीं करनी चाहिए। और फिर वहाँ से मुझे कोटा भेजा गया, मेडिकल की स्टडी करी, और लेकिन कहीं ना कहीं जो दिल में था वो एंकरिंग थी। ऐसा लगता था कि मुझे एंकरिंग से ज़्यादा खुशी मिलती है, लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि स्टडी ज़रूरी है, स्टडी करनी चाहिए। और उस वक्त, उस ज़माने में, मतलब 2002 की अगर मैं बात करूँ तो एंकरिंग का कोई स्कोप भी नहीं हुआ करता था, जी और ज़्यादा कुछ उनको शायद अमाउंट भी नहीं मिलता था, और ऐसी सारी चीज़ें थी। और आपको अपनी लाइफ अगर चलानी है तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल सिस्टम और वो सारी चीज़ें आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए, जिससे आप अपनी लाइफ को आगे जी सकते हैं। फिर मैंने कोटा गया, कोटा में स्टडी करी, स्टडी करने के बाद मैं आगे बढ़ा, बी फार्मेसी की, उसके बाद MBA किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो एंकरिंग जो दिल में रहती थी और फिर वो जुआ पे भी आ जाती थी। इस सफर में, एंकरिंग के सफर में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे इस मुकाम पर आप पहुंचे? देखिए, हर दिन एक चुनौती है, हर मिनट एक चुनौती है। जब भी आप कोई काम करते हैं, और अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप दिल से करते हैं, अगर वो काम आपके दिल में है ना, तो वो आपको चुनौती भी आपको फूलों जैसी लगेगी, राइट? जैसे मुझे मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता था, तो मैं अगर 5 वीडियो मैथमेटिक्स पढ़ूँ तो मुझे डर लगता था, राइट? मैं उसको नहीं पढ़ सकता था। वहीं एंकरिंग, आप मुझे कभी भी किसी भी वक्त एंकरिंग करवा लीजिए, तो मुझे अगर कोई चुनौती भी होगी, कोई टफ भी कोई कंडीशन होगी, तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि वो टफ़ है। वो मुझे लगता है कि वाओ, मज़ा आ रहा है। मैं जितनी एंकरिंग करूँ तो मुझे उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। मतलब मैं आपको ये बताऊँगा, अगर मैं 10 घंटे का अभी टफ है, वो मुझे लगता है कि वाओ, मज़ा आ रहा है। मैं जितनी एंकरिंग करूँ तो मुझे उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जी,
मतलब मैं आपको ये बताऊंगा, अगर मैं 10 घंटे का अभी शो करके आया, हाल ही 5 दिन पहले की बात है, रात को 1 बज गए थे मैं जब घर पहुंचा तो, बट मुझे कुछ शूटिंग करनी थी, कुछ वीडियो क्लिप्स बनाने थे मेरे नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट्स के लिए वीडियो बाइट। तो मैंने टीम से पूछा, मैंने कहा मेरे चेहरे पे थकान दिखाई दे रही है, बोले नहीं। तो मैंने कहा एक काम करें, अपन शूट स्टार्ट करते हैं, रात को 1 बजे हमने शूट स्टार्ट किया और 2:30-3 बजे तक हमने शूट किया। क्योंकि जब आप किसी काम से प्यार करते हो तो आपको उससे एनर्जी मिलती है। मैं बिना खाना खाए रह सकता हूँ लेकिन बिना एंकरिंग के नहीं रह सकता, क्योंकि शायद मुझे जो रियल एनर्जी होती है वो मेरे काम से मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड एंकरिंग। अमूमन हम देखते हैं कि स्क्रिप्ट तैयार करते हैं हम पहले स्टेज पे जाने से पहले या उसकी कार्यक्रम की तैयारी करते हैं। इंस्टेंट आप ये कैसे अपने बोलों को और इतनी काफ़ी गैदरिंग को अपनी एंकरिंग के माध्यम से इतना मतलब उस स्तर पर ले आते हैं कि लोग वाह वाही किए बिना नहीं रहते, ये आप कैसे कर पाते हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती है और वो आपको समझनी चाहिए कि एंकरिंग में या फिर लाइफ में, अगर मैं बात करूं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एंकरिंग में लोग कहते हैं कि क्या बोलना है ये सीखना चाहिए, मैं ये कहता हूं कि क्या नहीं बोलना है सबसे पहले ये सीखिए, क्या नहीं करना है वो आपको जानना चाहिए। और ऑडियंस जो होती है वो हमेशा कॉमन होती है, मतलब कहीं पर भी आप चले जाएँ तो ऑडियंस तो रहेगी रहेगी, चाहे वो किसी भी क्लास की हो। तो आपको ये समझना चाहिए कि ऑडियंस को कैसे कनेक्ट करना है, और फिर जिस भी इवेंट में जाते हैं वहाँ पर आपको उस इवेंट से रिलेटेड कंटेंट आपके पास में होना चाहिए, और धीरे धीरे ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नॉलेज और अनुभव से वो सारी चीज़ें आपके पास में आ जाती है। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। आज 21 सालों में मैं खुद यहाँ पर पहुँचा हूँ, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक मैसेज मेरे पास इंस्टाग्राम पर आया और उसमें, आते हैं कि लोग वाह वाही किए बिना नहीं रहते, ये आप कैसे कर पाते हैं? देखिए बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती है और वो आपको समझनी चाहिए कि एंकरिंग में या फिर लाइफ में, अगर मैं बात करूं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एंकरिंग में लोग कहते हैं कि क्या बोलना है ये सीखना चाहिए, मैं ये कहता हूं कि क्या नहीं बोलना है सबसे पहले ये सीखिए, क्या नहीं करना है वो आपको जानना चाहिए। और ऑडियंस जो होती है वो हमेशा कॉमन होती है, मतलब कहीं पर भी आप चले जाएँ तो ऑडियंस तो रहेगी रहेगी, चाहे वो किसी भी क्लास की हो। तो आपको ये समझना चाहिए कि ऑडियंस को कैसे कनेक्ट करना है, और फिर जिस भी इवेंट में जाते हैं वहाँ पर आपको उस इवेंट से रिलेटेड कंटेंट आपके पास में होना चाहिए, और धीरे धीरे ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नॉलेज और अनुभव से वो सारी चीज़ें आपके पास में आ जाती है। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। आज 21 सालों में मैं खुद यहाँ पर पहुँचा हूँ, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक मैसेज मेरे पास इंस्टाग्राम पर आया और उसमें लिखा हुआ था कि सर आपके पास इतने सारे शोज़ होते हैं और हमारे को शो नहीं मिल रहे, इवेंट्स नहीं मिल रहे, आप हमें बताएं कि कैसे मिलते हैं। तो मैंने कहा आपको कितना टाइम हुआ है, बोले मुझे तो बहुत टाइम हो गया। मैंने कहा कितने, बोले 9। मैंने कहा 9 साल तो ठीक है चलो, बोले 9 महीने हुए। आजकल के जो यंग जनरेशन है, यूथ है, वो 9 महीने के अंदर 9 साल जितना अर्न करना चाहते हैं और उस स्टेज पे पहुंचना चाहते हैं। जब मैं 21 साल में आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो किसी भी सफलता का या हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको टाइम देना ही होगा। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो आप उस कंडीशन, उस पोजीशन तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा, परिवार का इस सफर में क्या आपका साथ रहा? अभी आपने बताया कि पिताजी बना किया करते थे, तो माता जी का, बहनों का, भाइयों का, पूरे परिवार का, इस सफर में आप मतलब नहीं ये चुनौती मेरे लिए है कि नहीं मेरे को एंकरिंग में जाना है, थोड़ा प्लीज़। देखिए, फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट मिला, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनिशियल लेवल की अगर मैं बात करूँ तो जो सफ़र था वो बहुत टफ था, चैलेंजिंग था। क्योंकि अगर किसी से बोला जाए कि अच्छा आपका बेटा क्या करता है, बोले एंकरिंग करता है, तो बोले एंकरिंग तो करता है लेकिन कमाने के लिए क्या करता है। पहले के टाइम में एंकरिंग को एक प्रोफेशन नहीं माना जाता था, तो पेरेंट्स ने कभी इसके लिए इजाज़त नहीं दी थी। मदर फिर भी कहती कि चलो ठीक है, अच्छा कर रहा है। जब घर में ट्रॉफीज आती थी तो मदर को लगता था चलो ठीक है, इट्स ओके। पिताजी को कभी नहीं लगा कि ये कुछ अच्छा काम भी करता है। बोले मैं कभी भी कहता कि पापा आज मैं यहाँ गया था, मैंने इवेंट होस्ट करके आया था, उन्होंने कहा कुछ अच्छा काम कर लिया कर, राइट, बिजनेसमैन बनो, बिकॉज मेरे फादर बिजनेसमैन है। तो उनको हमेशा ऐसे लगता था कि बेटा भी एक बड़ा बिजनेसमैन बने, एक अच्छा पैसा कमाए, जैसे सब पेरेंट्स की इच्छा होती है। उसके बाद श्रीमती वसुंधरा राजे जी के साथ एक स्टेज शेयर करने का मौका मिला, उस दिन मुझे उन्होंने सम्मानित किया, मैंने पिताजी को आके कहा, तो उन्होंने कहा चलो ठीक ठाक काम कर लेता है उसका मतलब। तो उनके एक्सपेक्टेशंस मेरे से हमेशा बहुत ज़्यादा रहती थी कि बोले बहुत अच्छा काम करे और आगे बढ़े।
इसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा और 2015 14-15 के बाद में एक तरीके से गोल्डन पीरियड स्टार्ट हुआ, क्योंकि उससे पहले तक एंकर की इतनी वैल्यू नहीं हुआ करती थी। और फिर मेरे में भी धीरे धीरे चेंजेस आए, धीरे धीरे मैंने सीखा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप एंकरिंग आपने कहाँ से सीखी। मैं कभी किसी इंस्टीट्यूट नहीं गया सीखने के लिए, लेकिन हर शो से मैं सीखता गया। आफ्टर मैरिज मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, क्योंकि जो मेरी लाइफ पार्टनर है नेहा, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि अंकित यू शुड गो एंड डू वॉट एवर यू लव। और मेरा ड्रेसिंग स्टाइल, मेरा लाइफ स्टाइल सब कुछ बदल गया। जैसे कहते हैं ना कि आफ्टर मैरिज इंसान बदल जाता है, उन्होंने मुझे पूरा बदल दिया और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एनकरेज किया। और अगर आज जो मैं एंकरिंग में कुछ कर पाया हूँ और अच्छा किया है, तो उसमें मेरे पेरेंट्स और मेरी लाइफ पार्टनर का बहुत बड़ा योगदान है। अगर लाइफ पार्टनर का योगदान नहीं होता तो मैं आज स्टेज पर नहीं होता। अभी आपने बता दिया 2015 तक का सफ़र, इसके आगे के सफ़र आप बताएं अभी तक। 2015 से 23 के बीच में बहुत कुछ हमने गेन किया। मुझे फॉरेन में जाने का मौका मिला, मैंने सिंगापुर में होस्ट किया पुत्रजया कन्वेंशन सेंटर, मलेशिया में होस्ट किया, एंड रिसेंटली अभी ईस्ट अफ्रीका में केन्या के नैरोबी में हमने इवेंट को होस्ट किया। सो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के अवसर मुझे मिले, और जहाँ पर भी जो अवसर मिला मैंने उसमें पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ काम किया, और भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने मेरी लाइफ का एम ही बना लिया कि मुझे खुश रहना, खुशियाँ बांटनी है। और शायद जब हम खुशियाँ बांटते हैं और लोगों को खुशियाँ देते हैं, तो कहीं ना कहीं बस रिटर्न गिफ्ट के रूप में ज़रूर आती है। लोग कहते हैं पैसा कमाना ही है, मैं कहता हूँ नहीं, मनी इज़ ए बाय प्रोडक्ट। मनी तो ऑटोमेटिकली आ जाती है, मनी डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप खुश रहते हैं और खुशियाँ बांटते हैं ना, तो आपकी लाइफ में आपको सब कुछ मिल जाता है। बिकॉज आप कुछ भी कर लीजिए, आपका अल्टीमेट गोल तो खुश रहना ही है। वेरी नाइस। तो मैं हमेशा यूथ को भी यही कहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, कुछ अच्छा कीजिए जिससे किसी और के चेहरे पर खुशियाँ आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एंकरिंग मेरे पास में एक ऐसी कला है जिससे मैं लोगों को खुशियाँ बांटता हूँ, और वही खुशियाँ उनके आशीर्वाद के रूप में मुझे मिलती है। अभी आपने शुरू में बताया कि दो आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आप जिसके हैं, तो इसकी कहानी के बारे में थोड़ा आप बताएंगे, चर्चा करें। देखिए, कई बार ऐसे इवेंट्स चलते हैं और फिर लगता है कि कुछ यूनिक करें, तो ऐसे ही ख्याल दिमाग में आया था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। तो जब डिस्कशन किया गया, पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया था इंटरनेशनल मदर्स डे पे माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी के साथ में, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूअर्स का इंटरनेशनल मदर्स डे का वो खास अवसर था, और हमने उसको अचीव किया। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन माँ की आरती उतारी थी उस दिन। दूसरा हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था धरती के भगवान कार्यक्रम में, जिसमें कोविड टाइम में एम्स के डायरेक्टर साहब, हेल्थ राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर साहब और बहुत सारे देश के जाने माने गणमान्य डॉक्टर्स ने उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और 1090 संस्थाओं ने मिलकर एक नया विश्व कीर्तिमान हासिल किया। वेरी ग्रेट। अच्छा, भावी पीढ़ी जो अभी आ रही है वर्तमान में, भविष्य में आएंगी, इनके लिए कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में है, और एंकरिंग में भी अपना कदम रखना चाहें, उनके लिए कोई खास मैसेज? वेरी ग्रेट। अच्छा, भावी पीढ़ी जो अभी आ रही है वर्तमान में, भविष्य में आएंगी, इनके लिए कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में है, और एंकरिंग में भी अपना कदम रखना चाहें, उनके लिए कोई खास मैसेज? सबसे ज़्यादा खास मैसेज तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डू वॉट एवर यू लव, जो आप चाहते हो आप वही कीजिए। आपको आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी। आप किसी को कॉपी मत कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए और लीव द रेस्ट, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, ठीक है? और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप सोचते हो कि आपको 9 महीने के अंदर वो सफलता मिल जाए जो लोगों को 9 साल में मिलती है, वो नहीं हो सकता। दुनिया चाहे कितनी ही टेक्नो फ्रेंडली हो जाए और कितनी नई टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं था ना है, और आई डोंट थिंक कि होगा। अभी आप कहते हैं कि एंकरिंग का क्षेत्र में ही मैं जीना चाहता हूँ, या मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ। एंकर अंकित खंडेलवाल अगर एंकर नहीं होता तो क्या होता? एंकर अंकित खंडेलवाल अगर एंकर नहीं होता
तो शायद मैं भी किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा होता, या फिर हमारी एक स्वीट शॉप है मिठाई की जयपुर के छोटी चौपड़ पे, वहाँ पर बैठ रहा होता। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और ये चर्चा आगे भी लगातार बनती रहेगी। हम आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और आपकी कामना करते हैं कि ईश्वर आपको यूं ही अपनी आशीर्वाद, अपनी कृपा से आपके ऊपर बरसाता रहे। आप यूं ही लगन और शिद्दत, समर्पण भाव से जो आप कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, रियली बहुत हम लोगों को भी इंस्पायर करता है, सब यूथ को, सभी उम्र वर्ग के लोगों को करता है। आप यूं ही बढ़ते रहें, यूं ही अपनी आवाज़ और अपने अंदाज़ों से लोगों को चहकाते रहें, उनके जीवन में खुशियाँ देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू सो मच।